नमस्कार, खुरानंस फोरम में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने IIT से इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज पास करने के बाद इनकम टैक्स में लगी हुई नौकरी छोड़कर करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाई। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। जयप्रकाश जी के आंदोलन से उस वक्त तो आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये सब उसी आंदोलन की देन है। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। और अन्ना आंदोलन जो कि बहुत सफल रहा, उसके फलस्वरूप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीत भी लिए, जिसमें इन्होंने एक शपथ पत्र जारी किया था कि मैं किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं, इंक्लूडिंग सरकारी आवास या सरकारी बंगला नहीं लूंगा। तो क्या आप बंगलों की बात हो रही थी कि बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे? नहीं लूंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। और क्या एक पहला काम क्या करने वाले हैं अरविंद जी आप? अभी एक मिनट बना लें सरकार, फिर बताते हैं आपको जी। लेकिन कोरोना काल में इन्होंने अपने सरकारी बंगले को पूरी तरह से ढहाकर एक नया बंगला बनाया 45 करोड़ के सरकारी खर्चे पर। और मजे की बात यह है कि पब्लिक लाइफ में आने से लेकर आज तक ये हमेशा एक ढीली शर्ट पहनते हैं। पब्लिक लाइफ में इन्होंने कभी भी अपने नाप की एक अच्छी सिली हुई शर्ट नहीं पहनी। नाउ दिस पुट्स क्वेश्चन मार्क ऑन योर इंटीग्रिटी कि आप पब्लिक लाइफ में हमेशा एक ढीली ढाली शर्ट और उसकी जेब में 5 रुपए का पेन डालकर क्यों घूमते हैं, जबकि आप रहते हैं एक आलीशान बंगले में जिस पर 45 करोड़ का सरकारी खर्चा हुआ है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए।